परिवहन विभाग पक्षरु स्कूल गाड़ी गुड़िकर फिटनेस जांच करा जाउछे। एही अभियान सात दिनिया चलिबो। 27 तारीख सुधा केते गाड़ी रे फिटनेस अच्छी, कहार लाइसेंस अच्छी ना नाही, से विषय रे रिपोर्ट काढ़िबो विभाग। निर्दिष्ट संख्या टू अधिक संख्या रे पिला परिवहन करुथिले गाड़ी रो एवं चालकंकर लाइसेंस आदि चेकिंग करा जाउछे। अनेक समय रे कागजपत्र ठीक नथिबा एवं गाड़ी छोटो पिलांकु विपद संकुल अवस्था रे परिवहन करथुबा देखिबा को मिलुछे, जेउतुपई दुर्घटना वृद्धि पाउथुबा बेले परिवहन विभाग पक्षरु एभली स्पेशल ड्राइव आरंभ होइछे। गाड़ी फिटनेस परमिट, इन्सुरेन्स, ड्राइवर लाइसेंस एगुटा चेक करुच्छे। गाड़ी कंडीशन भी चेक करुच्छे, गाड़ी फिट अच्छे कि नहीं पिला नहीं ना ना, सब गाड़ी चेक करा जाए। स्पेशल ड्राइव कर फर सेफ्टी ऑफ चिल्ड्रेन्स। ये सात दिन केवल आम स्कूल बस जो कनसनट्रेट करू ना ना, विभिन्न जगह पूरा दिन तमाम चलो चेकिंग विभिन्न स्कूल पाखे करूँ। यहाँ प्रथम आरंभ करपर स्कूल पाखे जाइए चलाण कटूँ, जो 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 डकुमेंट्स कमी थी से अनुसार चलाण बनुँचे। से टाटा तो बर्तमान कहीबनी से आम डकुमेंट जब देखे पारे आम सब जगह आम चलाण बन दे डकुमेंट देखा से पैसा कटिज चलाणटा फाइन पड़े ना। यदि डकुमेंट न देखे पारे तो फाइन देते। तो बर्तमान एक्जाक्ट अमाउंट आम कही पारे ना, जब से चलाण आम देखा क्लोज है जना पड़ो कत टाँग है। इन्सुरांस ना था, फिटनेस ना, इन्सुरांस ना, कितने टाँचा चलाण काटिले आज्ञा? 17,500। तेज संपर्क में अधिक सूचना देवाई आम सहित सीधासख जोड़ी होती आम प्रतिनिधि स्वप्नांजलि महांती। स्वप्नांजलि, वर्तमान स्कूल गाड़ी गुड़िकर फिटनेस चेकिंग चली, को जगह ही चेकिंग चली, कौन रही अपडेट खबर? देखो मंदाकिनी, जो भाव में पूर्व परिवहन विभाग निर्देश देता जे 20 तारीख सका 27 तारीख पर्यंत परिवहन विभाग चेकिंग कार्य आरंभ हो पा जो भाव में छोट पाने सुरक्षित जाऊँच कि नहीं आने जो गाड़ी में जावास स्कूल घर को कि घर स्कूल को जाऊँ को विशेष भाव में फोकस करेतु संवेदनशील प्रसंग आसे छोट पाने स्कूल जाती स्कूल को जाती स्कूल गाड़ी नहीं कि स्कूल गाड़ी गुड़िकर वर्तमान आज ये जो अभियान चली ड्राइव चली स्पेशल ड्राइव केवल स्कूल जो गाड़ी गुड़िक रही है परिवहन विभाग स्पेशल नजर रखी कहीं विभिन्न जितेबाला अनेक अलग समय जितेबाला अनेक बस कथा कहतु ट्रक कथा कहतु कार एवं ऑटो गुड़ी को स्पेशल ड्राइव मध्यम चेकिंग कराए कहार चालाण अच्छी कि नहीं कौ गाड़ी फिटनेस अच्छी कौ गाड़ी चालकर ड्राइविंग लाइसेंस ठीक अच्छी कि नहीं ड्राइविंग लाइसेंस रद्द होगापर कौ ड्राइवर मैंने गाड़ी चलाउछन्ति सही अनुसार चालाण कटा जाए। जहाँ सकाळर चित्र आम देखेलु जो भी भाव में नालको छक सामने प्रथम परिवहन विभाग भुवनेश्वर प्रथम ड्राइव आरंभ कर 27 तारीख पर्यंत चलिबो एवं जहाँ कह 27 तारीख पर्यंत चलिबो एवं 27 तारीख दिन परिवहन विभाग को विभिन्न आरटीओ ए जो रिपोर्ट दबो जे केते चालान कटिचे एवं को को स्कूल बस घर संस्थार स्कूल होंतु किंबा अन्यान जो ड्राइवर रही ऑटो ड्राइवर सेमानकर हेवी लोड रहुच कि से प्रकार जो खबरटी वर्तमान आरटीओ दब परिवहन विभाग को एभली मध्य किछि कथा सामना को आसी एमबीआई रो जे इन्स्पेक्टर रही है सी आमको पीके महापात्र प्रतिक्रिया सका एपर्त 17,500 गोटे सबुठ बड़ चलाण कटिचे एवं से भी गोटे घर स्कूल संस्थार ड्राइवर ठार 17,500 टका फाइन मंदाकिनी कटिचे एवं 7-8 माने गोटे दिन में गोटे घंटा आज प्रथम नालको छक परिवहन विभाग जांच करथिला एवं 20 तारीख सुधा संपूर्ण रिपोर्ट परिवहन विभाग को दिजिव ये जो ड्राइव चलो केवल रविवार दिन ये ड्राइव बंद हे कहीं रविवार दिन स्कूल बंद रोच्छ छुट्टी रोच अन्यान्य दिन जदि सप्ताह कौन से दिन स्कूल छुट्टी रहे तेज ड्राइव बंद रेहेतु मंदाकिनी कहीपर जे स्पेशल ड्राइव केवल स्कूल बस को टार्गेट कर तेणु परिवहन विभाग चिंता करे जो संवेदनशील घटना पिलाने जावास कर सुरक्षित अच्छा कि नहीं जो स्कूल गाड़ी नवा आने कर गाड़ी चालक आरंभ कर गाड़ी पर्यंत फिटनेस परमिट एवं लाइसेंस अच्छे कि नहीं से बाबद पूरा तथ्य रखिबो परिवहन विभाग एवं 20 तारीख पर्यंत पूरा अपडेट परिवहन विभाग पाखे पहुँचब। किंतु बड़ कथा हूँ जो परिवहन विभाग वर्तमान सात दिनिया ड्राइव चली
କେତେ ଟଙ୍କାର ଚାଲାଣ ଆରମ୍ଭ ହେବ? ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ହଜାରରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ଏହା ଲକ୍ଷାଧିକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ଗୋଟେ ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। କେବଳ ସାତ ଦିନ ଡ୍ରାଇଭ୍ ନ କରାଯାଇ ମାସ ମାସ ଡ୍ରାଇଭ୍ କରାଗଲେ ଲୋକଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଏ କଥା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ମିଳୁଛି ଭଲ ହେବ, କାହିଁକିନା ପିଲାମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବହନ କରେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସ୍ୱପ୍ନାଞ୍ଜଳି, ଯଦି ଦେଖିବା ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କର କଥା, ତେଣୁ ସୁରକ୍ଷାର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଏଠାରେ ଉଠୁଛି, ତେବେ ପରିବହନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏଭଳି ଏକ ହଠାତ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି କାହିଁକି ନିଆଯାଇଛି ସେ ନେଇ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିପାରୁଛି କି? ଆଉ ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁ ଡ୍ରାଇଭର ମାନେ ରହିଛନ୍ତି ବା ସ୍କୁଲ ଡ୍ରାଇଭର ମାନେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଯେହେତୁ ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ଖବର ନଥିଲା, ସେ ନେଇ କ'ଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆସୁଛି? ଦେଖନ୍ତୁ ମନ୍ଦାକିନୀ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତ ସ୍ପଷ୍ଟ କୌଣସି ସେଭଳି ଭାବରେ ପରିବହନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିନାହିଁ। ବୋଧହୁଏ ଏ ସାତ ଦିନ ଡ୍ରାଇଭ୍ ଭିତରେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ପୂର୍ବରୁ ଯେହେତୁ ସେମାନେ ପରିବହନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏ ନୋଟିସ୍ ଆସିଥିଲା ଯେ ଆମେ ସାତ ଦିନିଆ ଡ୍ରାଇଭ୍ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଘଟଣା ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ମନ୍ଦାକିନୀ, ଯେ ସ୍କୁଲ ବସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଓଲଟି ପଡ଼ିବା, ସ୍କୁଲ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କର ବେପରୁଆ ଯେଉଁ ଗାଡ଼ି ଚାଳନା ପାଇଁ ପିଲାମାନଙ୍କର କ୍ଷତି ହେବା, ରାଜ୍ୟର ଅନେକ ଜାଗାରେ ଏଭଳି ହୋଇଛି, କେବଳ ଭୁବନେଶ୍ୱର ନୁହେଁ, ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ଏଭଳି କିଛି ସୂଚନା ପରିବହନ ବିଭାଗ ଦେଇଛି। ତେଣୁ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କର ମଧ୍ୟ ନଜର ରହିବ, ଯେଉଁ ସ୍କୁଲ ପିଲାମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ଯାଉଛନ୍ତି କି ନାହିଁ। ତେଣୁ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ନଜର ରହିଛି ଯେ ସ୍କୁଲ ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକ କେଉଁଭଳି ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବା, ସ୍କୁଲ ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକ ମଝି ରାସ୍ତାରେ ଓଲଟିବା, ତେଣୁ ସେ ସବୁରୁ ବର୍ତ୍ତିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିବହନ ବିଭାଗ ଏଭଳି ଚିନ୍ତା କରିଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନିହାତି ଭାବରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ ଯେ ଡ୍ରାଇଭ୍ କେବଳ ସାତ ଦିନ ପାଇଁ ଚାଲିବ ନା ମାସକୁ ଆହୁରି କିଛି ଦିନ ଗୋଟେ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ରଖିବେ। ସ୍ୱପ୍ନାଞ୍ଜଳି, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କର ତମାମ ସୂଚନା ପାଇଁ।